हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। आज हम बहुत ही प्यारा सा एक वॉल आर्ट बनाने वाले हैं, जिसके लिए बहुत कम मेहनत चाहिए, बहुत कम स्किल्स चाहिए, पर जो चीज़ निकल के आएगी वो बहुत सुंदर होगी। और ये आप एक प्लाईवुड पे बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है इस तरह का। ये एक रेक्टेंगुलर वुडन पीस है, MDF का बोर्ड भी आप ले सकते हैं। चौड़ाई आप इसकी देख सकते हैं, काफ़ी मोटी है, तो बहुत अच्छे से इस पर काम हो सकता है। तो चलिए पहले डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर एक झरोके का डिज़ाइन मैंने ड्रॉ किया है और आसपास एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। डबल करके आप झरोखा बना सकते हैं और एक बॉर्डर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो चलिए सबसे पहले हम काम करेंगे मोल्ड इट के साथ। आप कोई भी एयर ड्राई क्ले ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों पैकेट्स को आपने ओपन करना है और मिक्स करना है। इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है और जब तक इसका कलर प्रॉपर वाइट नहीं हो जाता तब तक आपको इसको मिक्स करते रहना है, अदरवाइज ये हार्ड नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से इसको मिक्स कर लेते हैं। और अभी हमारा जो मोल्डेड है, क्ले है हमारी, वो वाइट हो गई थी, तो उससे पहले हम एक इस तरह का रोल करके क्वाइल बनाएंगे लंबा सा, और इसको बिल्कुल बराबर रखना है आपको। और फेविकॉल की हेल्प से हम इसको झरोखे का जो हमने ड्राइंग बनाया है उस पर पेस्ट करेंगे। फेविकॉल लगाना ज़रूरी है इसको स्टिक करने के लिए। तो चलिए थोड़ा थोड़ा डिज़ाइंस को कट करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से हम अपना पूरा का पूरा ये झरोखा कंप्लीट कर लेंगे। मोल्डेड का मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पैकेट यूज़ किया है और उसी में हमारा सारा काम हो जाएगा बहुत ही आराम से। तो इसमें कॉस्ट भी बहुत कम लगेगी, बहुत कम पैसों में आपका बहुत ही सुंदर एक वॉल डेकोर बनके रेडी हो जाएगा और आप इसे बहुत ही जल्दी बना भी सकते हैं। अभी मैंने लिया है फेविस्टिक का कैप और उससे बहुत ही प्यारा सा एक टेक्सचर हमने जो झरोखा बनाया था उस पर निकाल रहे हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, डिज़ाइन बहुत ही सुंदर निकल कर आ रहा है। इसी तरह से आप अपने घर पर रखी हुई चीज़ों से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं क्ले पर। और आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको इसी तरह के और भी सुंदर सुंदर और इजी क्राफ्ट्स बनाना सिखाते रहूँगी, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी। तो चलिए फटाफट से हमने ये डिज़ाइन बना लिया और अंदर भी एक और हम यहाँ पर बॉर्डर बना देते हैं। सिंगल कॉइल से होगा और एक साइड पर मैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाऊंगी, क्योंकि हमारी मोल्डेड बच गई थी। आप इसको किसी भी स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक डिज़ाइन बनाया है। आप अपनी चॉइस के डिज़ाइन यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का वुडन पीस है तो आप बहुत ही सुंदर झरोखे या पिचवाई पेंटिंग उस पर कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। वाइट कलर का बेस यहाँ पर मैंने किया है और जो आउटर पोर्शन है उस पर मैं ऑरेंज शेड दे रही हूँ। यहाँ पर लाइट शेड है बहुत ज़्यादा और धीरे धीरे मैं इस पर कोट्स करूँगी। यहाँ पर मेरा 2-3 कोट में बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल डार्क शेड हो जाएगा। जब आपका एक कोट ड्राई हो जाए तभी आप दूसरा कोट कीजिए। और अगर आप पहले से इस पर वाइट पेंट कर रहे हैं तो आपका ये एक या दो कोट में ही कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर वाइट बेस नहीं दिया था बाहर, इसीलिए मुझे ज़्यादा कोट देने पड़ रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं एक ही कोट में काम हो जाएगा, क्योंकि बेस में वाइट कलर दिया गया है। यहाँ पर मैं नियॉन ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ, एक्रेलिक कलर्स का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। और जो नियॉन शेड्स हैं वो आपको 4 डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर का यूज़ हो रहा है। और आप जो बाहर का पोर्शन है उसके लिए कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, जैसे मैं सिंपल बॉक्सेस का यूज़ करूँगी। और आप इस पर लोटसेस बना सकते हैं, कोई भी पत्तों की फूलों की बेल भी बना सकते हैं, या कोई अगर आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या पीकॉक बनाना है तो वो भी बहुत सुंदर ऑप्शन है। झरोखे पर रेड कलर किया जा रहा है ताकि जो वाइब्रेंट कलर्स हैं वो और भी निकल कर आएँ। लाइट कलर के ऊपर डार्क शेड्स हमेशा से ही खिल कर आते हैं, तो आप जब भी कलर कॉम्बिनेशन देखें तो इसी तरह से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आउटर पर काफ़ी डार्क ऑरेंज कलर हमने दिया है और ये आउटलाइनर्स हैं, ये भी हमारे नियॉन शेड में हैं और ये भी आप हॉबी आइडियाज से ले सकते हैं।
तो अंदर हम एक छोटा सा पैटर्न फ्लास्क का बना रहे हैं इन्हीं आउटलाइनर से। नियॉन शेड है तो बहुत ही सुंदर लुक आता है इनका। आप इन पर इनको यूज़ कर सकते हैं वॉल्स पर, वुड पर, या किसी भी अपने फर्नीचर या फिर किसी भी आप पोर्शन को डेकोरेट करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्रेलिक कलर से ही मैं बॉक्सेस बना रही हूँ जो हमारा आउटर पोर्शन है उसको फिल करने के लिए। डिज़ाइन आप अपनी क्रिएटिविटी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगे, जो जो आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। एक ब्लैक जो आउटलाइनिंग है उसके साथ साथ मैं एक रेड कलर की आउटलाइनिंग दे रही हूँ इसको थोड़ी सी और डेप्थ देने के लिए। इसको कंप्लीट करने के बाद जो ग्रीन पोर्शन है उसे सेंटर में फिल करेंगे, और ये भी नियॉन शेड ही मैंने लिया था। अभी हम कर रहे हैं मेटालिक पाउडर का यूज़ जो गोल्डन कलर में है। आपको मेटालिक पेंट भी मिल जाते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी रॉयल लुक आ जाता है और काफ़ी अच्छी डेप्थ आ जाती है इसको यूज़ करने पर। तो झरोखे में जितनी भी आउटलाइनिंग, जितना भी हमारा मोल्डेड और क्ले का यूज़ है उस सब पर मैं यहाँ पर गोल्डन डस्ट का यूज़ कर रही हूँ। इसको करने के बाद अब आता है मिरर लगाना। तो मिरर लगाने के लिए आप ग्लू का यूज़ कीजिए। फेविकॉल का यूज़ करेंगे हम, हॉट ग्लू गन का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि उससे बहुत जल्दी मिरर्स हमारे रिमूव हो जाते हैं। सेंटर में मैंने ट्रायंगल मिरर्स का यूज़ किया है और कॉर्नर्स पर डायमंड शेप का। आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट साइजेस के मिरर्स मिल जाते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसी तरह से बातों बातों में हमारा पूरा का पूरा वॉल डेकोर बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आप हमें फॉलो करना ना भूलें फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।